हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों विच इज हिपेटाइटिस। तो हिपेटाइटिस के बारे में डिटेल से समझेंगे, लास्ट में एमसीक्यूज भी करने वाले। तो चलिएगा, स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर आज के मोटिवेशनल कोट के साथ में कि डियर स्टूडेंट्स, धैर्य बनाकर रखिए और मेहनत पर फोकस करिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका किस्सा नहीं एक दिन कहानी बनेगी। इट मीन्स कहानी मतलब सक्सेस बनना है तो इसके लिए आपको धैर्य और मेहनत दोनों को साथ में कॉम्बिनेशन करके चलना पड़ेगा। पूरे धैर्य के साथ में मेहनत करते चलिए, कभी भी हताश ना होइए। परेशान हो जाते हैं ना अक्सर पढ़ते पढ़ते, ये कितना पढ़े, पढ़ना तो पड़ेगा डियर। अगर आपकी लाइफ को बदलना है, आपके किस्से को कहानी में बदलना है, तो आपको सक्सेस तो लेनी ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और कोई उसका अल्टरनेट नहीं है डियर। ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अंदर। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऐप को आप अपने साथियों के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और साथ ही साथ में डियर 5-स्टार रेटिंग जरूर दे दीजिए। काफ़ी बार मैं बोल चुका हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, यस। और एक रिव्यू प्यारा सा अपना लिख दीजिएगा डियर स्टूडेंट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अपनी जो आज की डिजीज है विच इज हिपेटाइटिस, जैसा कि नाम देखो, यहाँ से अक्सर 2-3 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से यहाँ पे अपन समझेंगे। देखो, हिपेटाइटिस मतलब लीवर का क्या हो जाना डियर, इन्फ्लामेशन, यानी इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर हिपेटोसाइट्स। लीवर हिपेटोसाइट्स का इन्फ्लामेशन हो जाना ही क्या कहलाएगा डियर, हिपेटाइटिस कहलाएगा। यस, इट मे बी कॉज्ड बाय मोस्ट कॉमनली का मतलब होता है डियर 90% हिपेटाइटिस है वो कौन से होंगे डियर, वायरस। मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है डियर, हिपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। बाकी 10% जो है डियर ड्रग्स, कुछ मेडिसिन की टॉक्सिसिटी की वजह से भी हो सकता है, एंड लाइक अदर कॉजेज भी यहाँ पे हो सकते हैं डियर। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे लिखा मोस्ट कॉमनली इट मे कॉज्ड बाय वायरसेस, एंड लीस्ट इट मे कॉज्ड बाय ड्रग इंड्यूस्ड हो गया, एल्कोहल हो गया, उनके द्वारा भी ये हो सकता है बच्चों। यस और नो, याद रखिएगा। चलेगा आगे, इसी बेसिस पे अपन हिपेटाइटिस को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, कि हिपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है डियर स्टूडेंट। तो चलिएगा देखते हैं, यस, टाइप्स एंड कॉजेस। तो हिपेटाइटिस की बात करें डियर, तो हिपेटाइटिस को 3 कॉजेज में अपन 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया डियर वायरस, वायरल कोज, जो कि मैंने बताया कितना होता है 90%, जिसमें अपन पढ़ेंगे हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई, 5 टाइप के हिपेटाइटिस यहां पे अपन पढ़ेंगे। इनको बहुत बारीकी से अपन समझने वाले हैं। दूसरा जो होता है डियर, लाइक ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड कुछ मेडिसिन वगैरह के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है बच्चों। जैसे कि अपन एग्जांपल बात करते हैं, लाइक NSAIDs, नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, लाइक एसिटामिनोफेन हो गया, एस्प्रिन हो गया। इसके अलावा डियर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जैसे हो गई, जैसे कि आइसोनियाजाइड, ये पढ़ चुके हैं ना अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, यस और नो। कम्युनिटी वाला पार्ट भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, यस, पढ़ लीजिएगा, सारे प्रोग्राम्स वगैरह बताए हुए हैं मैंने नेशनल ट्यूबरकुलोसिस के। तो इसमें लाइक डियर बात करते हैं, जैसे कि आइसोनियाजिड मोस्ट कॉमनली हिपेटोटॉक्सिसिटी वहाँ पे कर सकती है, यस और नो। इसके अलावा डियर कुछ अदर मेडिसिन होती है, जैसे आपने सुना है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर एमियोडेरोन का नाम सुना होगा, एमियोडेरोन विच इज एंटी डिसरिदमिक ड्रग, पोटेशियम वाली जो थी, यस डियर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, एमियोडेरोन, यस और नो, एंटी डिसरिदमिक ड्रग्स में आती है ये कोज कर सकती है। और इसके अलावा डियर बहुत सारी ड्रग्स है जो कि हिपेटो, लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो वहां पे आपको ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है डियर अल्कोहल इंड्यूस्ड एंड अदर कॉजेज भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है डियर। तो मोस्ट कॉमनली जो कारण है बच्चों वो कौन सा है डियर, यस, वायरल, विच इज 90%। ओके, अब बात करते हैं कोजेस के बाद में, नेक्स्ट बात करेंगे डियर साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे इस डिजीज से रिलेटेड। अभी वायरल हिपेटाइटिस को पढ़ेंगे अपन, साइन एंड सिम्टम्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि सभी के सिम्टम्स लगभग सेम होंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स को दिए 3 स्टेजेस में बांटा जाता है, विच इज, फर्स्ट वन इज प्री इक्टरिक फेज, प्री इक्टरिक फेज जो कि लगभग 1 वीक के आसपास रहती है।
इसके बाद में 1 वीक के बाद में दूसरी स्टेज आ जाएगी, विच इज इक्टरिक, इक्टरिक फेज, जो कि लगभग डियर 1 से 4 वीक के आसपास होती है। देखिए 2 से 4 भी लिख सकता हूं क्योंकि 1 वीक तो ये है, लेकिन ये खत्म होने के बाद 1 से 4 वीक तक अपनी इक्टरिक फेज रहेगी। इसके बाद में डियर नेक्स्ट जो होगी थर्ड प्रोग्रेसिव फेज होगी, प्रोग्रेसिव फेज होगी, जिसमें दो चीजें हो सकती है, आइदर रिकवरी, आइदर रिकवरी और आइदर कॉम्प्लिकेशन, आइदर कॉम्प्लिकेशन और रिकवरी हो सकती है। अगर ट्रीटमेंट मिल गया, अगर ट्रीटमेंट मिल गया तो रिकवरी हो जाएगी, और नो विदाउट ट्रीटमेंट है तो कॉम्प्लिकेशंस वहां पे आना शुरू हो जाएंगे। यस और नो डियर। अब बात करते हैं इक्टरिक, इक्टरिक वर्ड का मतलब होता है पीलिया। इक्टरस किसको बोला जाता है डियर? जोंडिस को इक्टरस कहते हैं अपन, यस और नो? तो प्री इक्टरिस यानी जोंडिस के सिम्टम आने से पहले जो स्टेज कहलाएगी वो क्या कहलाएगी डियर? प्री इक्टरिक फेज कहलाएगी। अब देखिए ये जो प्री इक्टरिक है वो स्टार्ट कैसे होती है, सपोज कीजिए, मान लीजिए आज के दिन वायरस एंटर हुआ, आज के दिन वायरस एंटर हुआ, उसके बीच में सिम्टम्स सिम्टम्स अपीयर होंगे, इसके बीच के पीरियड को अपन बोलते हैं इनक्यूबेशन। यस, वायरस एंटर, वायरस क्या हुआ? एंटर, वहां से सिम्टम्स अपीयर होने तक के बीच पीरियड को बोलेंगे इनक्यूबेशन पीरियड। अभी आगे मैं बताऊंगा किसका इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, ABCDE 5 वायरस होते हैं, पांचों का कितना कितना होता है पढ़ेंगे। तो इनक्यूबेशन पीरियड जिस दिन से सिम्टम्स आएंगे तो पहला जो सिम्टम्स होगा वो क्या कहलाएगा? प्री इक्टरिक फेज कहलाएगा। उसके बाद में लगभग 1 सप्ताह बाद में इक्टरिक फेज आ जाएगी जिसमें पीलिया जैसे सिम्टम्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद में 1 से 4 सप्ताह रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा प्रोग्रेसिव वीक आ जाएगा, प्रोग्रेसिव स्टेज, जिसमें अगर ट्रीटमेंट मिल गया तो रिकवरी, ट्रीटमेंट नहीं मिला तो कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो इक्टरिक फेज में आते हैं डियर, यस, स्टार्टिंग में आएंगे फ्लू लाइक सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग, फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग, फटीग, डिजीनेस, इस तरीके के सिम्टम्स जो है यहाँ पे अपियर होंगे, जिन्हें अपन बोलते हैं डियर फ्लू लाइक सिम्टम्स, क्योंकि वायरल कंडीशन है, फ्लू लाइक सिम्टम्स तो आने ही आने हैं। दूसरी बात करते हैं डियर इक्टरिक फेज, यानी यहाँ पे जॉन्डिस अपियर हो जाएगा, तो इस फेज में क्या हो जाएगा डियर? जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस। जॉन्डिस का कारण है क्या है डियर? इंक्रीज बिलिरुबिन, बिलिरुबिन की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है, और जब भी लीवर डैमेज होता है तो बिलिरुबिन दोनों बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और ये डिटेल से पढ़ा चुका हूँ मैं डियर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट, यस और नो? डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा चुका हूँ, और कहाँ पे पढ़ चुके हैं डियर? लीवर फंक्शन टेस्ट में पढ़ाया था मैंने ये, है ना, और अपन ने ब्लड वाले चैप्टर में भी जब हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन पढ़ाया था, हीमोग्लोबिन टूटता है उस टाइम पे भी ये पढ़ा चुका हूँ, यस और नो? तो बिलिरुबिन कितने टाइप का होता है, कैसे डायरेक्ट बनता है, कैसे इनडायरेक्ट बनता है, एवरीथिंग वी अंडरस्टैंड, ठीक है, चलेगा। तो जॉन्डिस हो जाता है यहाँ पे। अब चूंकि बिलिरुबिन बढ़ गया है, बिलिरुबिन बढ़ गया है, इस वजह से प्रूराइटिस होगी, खुजली आएगी, यस और नो? येलो डिस्कलरेशन हो जाएगा, येलो, येलो स्किन एंड स्क्लेरा दिखने लगी, जिसे जेंथोमा कहते हैं, जेंथोमाज, जेंथो का मतलब येलो और ओमाज मतलब हो गया डिपोजिशन, येलो डिपोजिशन, प्रूराइटिस हो जाएगा, खुजली होना शुरू हो जाएगा, इस तरीके के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं इक्टरिक फेज में। अब अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल गया तो रिकवरी फेज में आ जाएगा, ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये लीवर सिरोसिस की तरफ प्रोग्रेस करेगा, लीवर को डैमेज करेंगे और सारे लीवर सिरोसिस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या हो जाएगा डियर? यस, अर्ली कॉम्प्लिकेशन में क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पे मैंने बताया था भूख नहीं लगेगी, ठीक है, एनोरेक्सिया, लाइक मैंने बताया था सिरोसिस लीवर का अर्लीएस्ट साइन होता है एनोरेक्सिया। इसके अलावा डियर यहाँ पे देखेगा नेक्स्ट सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। देखो यहाँ पे जॉन्डिस होगा, जॉन्डिस के साथ में बिलिरुबिन बढ़ गया है तो प्रूराइटिस, येलो स्किन हो जाएगा, साथ में मैंने और साइन लिखाए थे जॉन्डिस के, आपको याद होगा अपन ने सिरोसिस ऑफ लीवर पढ़ा पिछले लेक्चर में, उसमें मैंने बताया था क्ले कलर का स्टूल एंड कोला कलर का क्या हो जाना डियर, कोला कलर का क्या हो जाना, यूरिन हो जाना, तो वो भी यहाँ पे साइन आएगा, क्ले कलर स्टूल, यस, स्टूल क्ले कलर का हो जाता है और कोला कलर का यूरिन पास आउट होगा, लिख लीजिएगा। देन यहां पे एनोरेक्सिया होगा, एसआईटिस होगा, एसआईटिस होने लग जाएगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा, ठीक है डियर, जीआई ब्लीडिंग होगी,
ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा डियर और बताए थे, ईसोफेजियल, ईसोफेजियल वेरिसेस, ये सब कॉम्प्लिकेशन अराइज होना शुरू हो जाएंगे, लास्ट में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होंगे और डेथ हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो है स्टेजेस के अकॉर्डिंग सिम्टम्स अपियर होते हैं। तो प्री इक्ट्रिक फेज 1 वीक की होती है, इक्ट्रिक फेज 1 से 4 वीक के बीच में हो सकती है, मतलब 7 से 28 दिन के बीच में ये रहेगी, इसके बाद में ये स्टेज आ जाएगी। दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे डियर, जो 5 हिपेटाइटिस थे ए बी सी डी ई, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले याद रखिएगा वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे कब आता है, ये मैं लिखना भूल गया, याद रखिएगा वर्ल्ड वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे कब आता है बच्चों, वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे कब आता है, तो इट इज ऑन 28th of July, 28 जुलाई को हर साल वर्ल्ड या इंटरनेशनल हिपेटाइटिस डे होता है डियर, ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभार पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है अपन बात करेंगे वायरस, कौन कौन से वायरस होते हैं। लाइक मैंने 5 टाइप बताया आपको हिपेटाइटिस के, यस, तो हिपेटाइटिस, अच्छा चलो शॉर्ट में लिखते हैं अपन हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस के बाद में ए हो गया, हिपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई, 5 तरीके के हिपेटाइटिस अपने पास आ गए। तो कौन सा क्या वायरस जो है इसको कोज करता बच्चों, तो ध्यान रखिएगा हिपेटाइटिस ए है, ये होता है डियर आरएनए वायरस, कौन सा वायरस डियर, आरएनए वायरस की वजह से। हिपेटाइटिस बी है डियर, वो होता है डीएनए वायरस, डीएनए वायरस की वजह से, ठीक है। बाकी के अदर जितने भी हिपेटाइटिस है, आरएनए वायरस, आरएनए वायरस, आरएनए वायरस की वजह से होते हैं, यस और नो। तो याद रखिएगा आरएनए वायरस और डीएनए वायरस को आपको पहचानना आना चाहिए। डीएनए वायरस में डबल स्ट्रैंड हेलिक्स होता है, कैसा होता है डियर, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स होता है। चलिएगा दिखाता हूँ आप लोगों को, तो मैंने 5 तरीके के हिपेटाइटिस बताए हैं आपको बच्चों, यस दीज आर द 5 टाइप ऑफ हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस ए का कैसा वायरस था, आरएनए वायरस, इसका भी आरएनए वायरस था, डी का भी आरएनए वायरस था और ई का भी आरएनए वायरस था, इजेंट इट। और हिपेटाइटिस बी का वायरस कैसा था, इट इज डीएनए वायरस, इट इज डीएनए वायरस, चूंकि डीएनए वायरस डबल स्ट्रैंड होता है, देखिएगा इमेजेस बताता हूं आपको, देखिए डबल स्ट्रैंड वाले वायरस जो होते हैं जिसके अंदर डीएनए डबल स्ट्रैंड वाला होता है इसे बोलेंगे डीएनए वायरस, बाकी सिंगल स्ट्रैंड वाले कौन से हो जाएंगे डियर, आरएनए वायरस होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पहला तो वायरसेस के अंदर। तो 5 टाइप के हिपेटाइटिस को कंपेरेटिव पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो पहला कंपेरिजन में पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय डीएनए वायरस, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आंसर क्या दोगे डियर, हिपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय डीएनए वायरस। अब इन वायरसेस के नाम देखते हैं, कौन से वायरसेस का क्या नाम है, देखिएगा हिपेटाइटिस ए का जो वायरस है इसे बोला जाता है डियर पिकोरना वायरस, पिकोरना वायरस के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिपेटाइटिस बी के वायरस को बोलते हैं डियर एडिनो वायरस, किस नाम से जानेंगे, एडिनो वायरस, जो कि एक डीएनए वायरस है, एडिनो वायरस। हिपेटाइटिस सी का जो वायरस है डियर इसे बोलेंगे फ्लावी, फ्लावी वायरस, फ्लावी वायरस हो गया। हिपेटाइटिस डी का जो वायरस है डियर इसे अपन कहेंगे D4 डेल्टा, डेल्टा वायरस के नाम से जानते हैं। और सबसे लास्ट हिपेटाइटिस ई का जो वायरस है उसे कहेंगे डियर कैलिसी वायरस, किस नाम से जानेंगे बच्चों, कैलिसी वायरस के नाम से जानेंगे। तो हिपेटाइटिस बी का वायरस कौन सा बच्चों, डेल्टा वायरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये अक्सर सा ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स के अंदर। और एक मैंने आपको पहले प्रीवियसली एक ट्रिक बताई हुई है, डीएनए वायरस कौन कौन से, आरएनए कौन कौन से, अभी थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। एक ट्रिक बताई थी, कोई भी पूछे डीएनए वायरस कौन कौन से होते हैं तो आपको बोलना है हप, क्या बोलोगे डियर, हप बोलना आपको, क्या बोलना है, हप। तो हप से हो जाएगा डियर, पहले एच का मतलब हो जाएगा डियर हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, दूसरे एच का मतलब हो जाएगा ह्यूमन हर्पीज वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस, और
एप्स्टियन बार वायरस का नाम सुना है, वो भी ह्यूमन हर्पीज वायरस का ही एक एग्जाम्पल है, तो एप्स्टियन बार वायरस भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डियर ए फॉर एडिनो वायरस, एडिनो यही वाला एडिनो वायरस, ठीक है। पी फोर हो जाएगा डियर पॉक्स वायरस, यानी पी फोर पॉक्स, पॉक्स मतलब चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का वायरस, यस और नो। और पी फोर हो जाएगा डियर परवो पेपिलोमा वायरस, पेपिलोमा वायरस, और एक और पी मान लीजिए इसका मतलब होगा परवो वायरस। तो ये मैं ट्रिक पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अभी दोबारा से मैंने रिमाइंड करा दिया है। तो आपको कोई भी पूछे डीएनए वायरस कौन कौन से होते हैं, तो आपको क्या बोलना है, हप, क्या बोलना है डियर, हप आपको बोलना है, यस। चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं इसका, देखिए तो डीएनए वायरस, डीएनए वायरस, तो डीएनए वायरस की ट्रिक क्या है बच्चों, इट इज हप। देखिए एच का मतलब हो जाएगा डियर हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, दूसरे एच का मतलब हो जाएगा डियर ह्यूमन हर्पीज वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस। इसमें एच एच वी ह्यूमन हर्पीज वायरस 4 जो होता है डियर, उसे अपन क्या कहते हैं, एप्स्टियन बार वायरस के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब एप्स्टियन बार वायरस भी कैसा हो गया, डीएनए वायरस का ही एग्जाम्पल हो गया। ए फोर हो जाएगा बच्चों एडिनो वायरस, एडिनो वायरस ये भी डीएनए वायरस है, ठीक है। अभी अभी जो पढ़ा अपन ने, एडिनो वायरस क्या कोज करता है, हेपेटाइटिस बी कोज करता है। पी फोर हो जाएगा डियर पॉक्स वायरस, पॉक्स मतलब हो जाएगा डियर चिकन पॉक्स। और 1980 में एक डिजीज जो है विलुप्त हो चुकी है, विच इज स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स के वायरस का नाम स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम, स्मॉल पॉक्स के वायरस वेरियोला वायरस था, जबकि चिकन पॉक्स का वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर, ठीक है डियर, याद रखिएगा। इसके अलावा बच्चों यस पी पी फोर मैंने बताया यहां पे पेपिलोमा वायरस, पेपिलोमा वायरस जो कि सर्विक्स कैंसर कोज करता है, विच इज नोन एज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और पी फोर हो जाएगा डियर परवो वायरस। तो ये सभी वायरस है बच्चों, कैसे वायरस है, ये डीएनए वायरसेस के एग्जांपल है, याद रखना। तो इसके नाम में देखो, अब मैं पूछूं हर्पीज वायरस कौन सा है, तो हर्पीज वायरस नाम में देखो ह्यूमन हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, तो जितने भी हर्पीज वायरस है, जिस भी वायरस के नाम में हर्पीज आता है वो डीएनए वायरस है बेटा, ठीक है। एडिनो वायरस भी डीएनए वायरस है, एप्स्टियन बार वायरस भी कैसा है, डीएनए वायरस ही है, क्योंकि ये ह्यूमन हर्पीज वायरस 4 को ही एप्स्टियन बार वायरस अपन कहते हैं। इसका नाम याद है कहां पर आया था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी इसको काफी अपन ने पढ़ा था, और लिम्फ नोड के डिसऑर्डर्स में भी इसको अपन ने डिस्कस किया था कैंसर वाले चैप्टर के अंदर, यस और नो, ठीक है। तो वो चीजें आपको याद रखना है। इसके अलावा पॉक्स वायरस में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के वायरस को क्या बोलेंगे डियर, वेरिसेला जोस्टर, और दूसरा डियर स्मॉल पॉक्स के वायरस को बोलेंगे वेरियोला वायरस इसे कहते हैं, यस और नो डियर, चलेगा। वापस से अपन अपनी स्लाइड पे आते हैं, तो जो अपन ने लिखा है ये आपको याद करना है, रट लेना है, डीएनए वायरस होता है हेपेटाइटिस बी, जिसे एडिनो वायरस कहते हैं, चलेगा। आगे और कुछ डिफरेंसेस पढ़ते हैं, सेकेंड डिफरेंस है डियर दो इन पांचों हेपेटाइटिस में, विच इज रूट ऑफ ट्रांसमिशन, कौन सा किस रूट से फैलता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है डियर, ठीक है। तो कौन सा किस रूट से फैलता है, तो हेपेटाइटिस ए ओरोफिकल रूट, हेपेटाइटिस ई सेम ओरोफिकल रूट से फैलता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए जो है मोस्टली यस कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है, मोस्ट कॉमनली, ठीक है। और हेपेटाइटिस ई भी कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो जहां पे मैंने लिखा है मोस्टली, इसका मतलब दोनों में प्रायोरिटी किसको दोगे, हेपेटाइटिस ए को आपको प्रायोरिटी देना बच्चों, समझ में आया, दोनों ऑप्शन में आ गए तो हेपेटाइटिस ए को प्रायोरिटी दे दीजिएगा, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड से होता है, इस वजह से इसको वाटर बोर्न हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, वाटर बोर्न हेपेटाइटिस भी बोला जाता है, यस और नो, चलेगा। अगली बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी सी और डी, ये तीनों जो है डियर इनको अपन बोल सकते हैं बॉडी फ्लूड,
बॉडी फ्लूड एंड ब्लड के द्वारा, ये भी सेम बॉडी फ्लूड एंड ब्लड के द्वारा, ये भी डियर बॉडी फ्लूड एंड ब्लड के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो तीनों बॉडी फ्लूड और ब्लड के द्वारा ही फैलते हैं, तो डिफरेंस क्या है तीनों के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमनली ये वाला जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे फैलता है। किसके टाइम पे फैलता है डियर? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम फैलता है। एंड हेपेटाइटिस सी इज द मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सी क्या है डियर? इट इज मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस। क्यों? क्योंकि ये लीवर कैंसर कोज कर देता। आगे लिखवा दूंगा, ठीक है, आगे अपन कुछ पॉइंट लिखेंगे, क्वेश्चन पॉइंट डायरेक्ट वहां पे अपन लिखवा देंगे। अभी सुन लीजिए, इट इज द मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस। क्यों? क्योंकि ये क्या कोज कर देता है डियर? लीवर में कैंसर कोज कर देता है, हेपेटिक कार्सिनोमा कोज ये कर देता है, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस बी है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी फैल सकता है, ठीक है, से भी, यस डियर, याद रखिएगा। और मदर टू फीटस में भी फैल सकता है। मदर टू फीटस में अगर पूछा जाए कौन सा हेपेटाइटिस सबसे ज्यादा फैलता है, तो इट इज हेपेटाइटिस बी। यस और नो? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में फैलता है। इसके अलावा डियर, ये हेपेटाइटिस बी जो है डायलिसिस के टाइम पे भी, डायलिसिस, रीनल डायलिसिस, किडनी डायलिसिस के टाइम पे भी सबसे ज्यादा फैलने वाला हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय डियर टैटू, जो होते हैं ना गली नुक्कड़ पे टैटू बनाने वाले होते हैं, तो टैटू बनाने वालों में हेपेटाइटिस बी और सी दोनों फैल सकते हैं। ठीक है डियर, याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी एंड सी दोनों फैल सकते हैं। किन में? जो लोग अनसेफ टैटूइंग करते हैं, टैटू बनवाते हैं गली नुक्कड़ पे, जो टैटू बनवाए जाते हैं वहां पे एक ही निडल से वो सबके टैटू बनाते, तो उन लोगों में इसके चांसेस होते हैं। अदरवाइज जो प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट होते हैं वो भी कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं, लेकिन वहां पे रिस्क कम है, बट स्टिल देयर इज रिस्क। ठीक है, स्किन कैंसर के भी रिस्क है, टैटू नहीं बनवाना चाहिए। टैटू बनने के बाद में बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है, पर्सन ब्लड डोनेट नहीं कर पाता है काफी दिनों तक, जब तक वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है। यस और नो? तो इवन ब्लड डोनेट करने में भी दिक्कत आ जाती है, चलेगा। फिर भी कई लोगों को शौक होता है, बनवा सकते हैं, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, इसमें मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, चलेगा। आगे बढ़ेंगे डियर, जैसा कि मैंने बताया, मोस्ट कॉमनली वाटर एंड कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलने वाला कौन है? हेपेटाइटिस ए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट मदर टू फीटस एंड डायलिसिस से फैलने वाला कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। बच्चों में मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड, बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली जो हेपेटाइटिस होता है वो हेपेटाइटिस बी ही होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सा होगा डियर? हेपेटाइटिस सी फैलेगा। हेपेटाइटिस डी है वो कभी भी अकेला नहीं फैलेगा, वो हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस डी का जो वायरस बताया था डेल्टा वायरस, वो हेपेटाइटिस बी के वायरस में रहता है, समझ में आया? तो कभी भी हेपेटाइटिस डी अकेला नहीं होता है, ये हमेशा हेपेटाइटिस बी के साथ ही होता है। तो याद रखिएगा डियर, यस, अकर्स ओनली विथ हेपेटाइटिस बी, हमेशा हेपेटाइटिस बी के साथ ही होगा, अकेला कभी भी हेपेटाइटिस डी किसी को नहीं होता है, बच्चों याद रखिएगा, इसलिए इसे सुपर इन्फेक्शन भी कहते हैं, आगे लिखवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ओरोफिकल रूट से ही फैलता है हेपेटाइटिस ई भी, कंटामिनेटेड वाटर और फूड से ही फैलता है, इस वजह से इसे वाटर बोर्न हेपेटाइटिस भी बोल देते हैं। बट मोस्ट कॉमनली पूछा जाए और ऑप्शन में ए और ई दोनों हो, तो राइट आंसर क्या देना है? हेपेटाइटिस ए, चलेगा डियर। और डिफरेंस अपन पढ़ते हैं, तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन अपन ने पढ़ा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट भी अपन ने पढ़ लिए। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, दिस इज हेपेटाइटिस को कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो प्रिवेंट करने के लिए कौन से हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है? तो याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल होती है, जिसे अपन बोलते हैं रिकॉम्बी वैक्सीन। यस डियर, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक पर आधारित है। किस टेक्निक पर आधारित है डियर? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन किस टेक्निक पे बनी हुई है? रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए टेक्निक पे बनी हुई होती है डियर। ठीक है, याद रखिएगा। तो वैक्सीन
पूछा जाए किस हिपेटाइटिस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो वो आंसर क्या देंगे डियर, हिपेटाइटिस बी के लिए, बाकी के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती है। बाकी के लिए क्या करेंगे, इंटरफेरोन एंड पोस्ट प्री एंड पोस्ट जो है एक्सपोजर, यस ध्यान रखिएगा डियर इंटरफेरोन। चलिए बाकी ऑल ऑल के लिए मैं क्या लिख दूं, बाकी ऑल इंक्लूडिंग ए, ठीक है, तो यहां पे हिपेटाइटिस ए भी लिख देता हूं, हिपेटाइटिस ए, तो यहां से इसको काट देता हूं। देखिए हिपेटाइटिस ए से लेके हिपेटाइटिस ई तक सभी के लिए क्या है डियर, इंटरफेरोन, ठीक है डियर, एंटीबॉडी, डायरेक्ट एंटीबॉडी डाली जा सकती है डियर, इसके अलावा डियर प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस होने से पहले या होने के बाद में, दोनों ही केस में डायरेक्ट एंटीबॉडी या इंटरफेरोन डाल दिए जाते हैं बॉडी के अंदर, जिससे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा डियर जो वाटर बोर्न वाले हैं उनमें सेफ हैंड, यस डियर, वाटर बोर्न कौन से हो गए, ए और ई, वाटर और फूड बोर्न, इनमें सेफ हैंड टेक्निक से एसेप्टिक टेक्निक के द्वारा भी इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर पूछा जाए कौन से हिपेटाइटिस को एसेप्टिक टेक्निक से, यानी सॉरी हैंड वॉशिंग, स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग के द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है, एसेप्टिक गलत बोल दिया, दोबारा से लिखेगा, लिख लीजिए आप इस पॉइंट को, कौन से हिपेटाइटिस को स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग टेक्निक से रोका जा सकता है, तो आंसर क्या देंगे, हिपेटाइटिस ए एंड हिपेटाइटिस ई, इन दोनों को स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग टेक्निक के द्वारा, क्योंकि ये ओरोफिकल रूट से फैलता है और मोस्ट ऑफ द ओरोफिकल रूट का इन्फेक्शन है वो हाथों के द्वारा ही होता है, यस और नो, चलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया वैक्सीन किसके लिए अवेलेबल है, हिपेटाइटिस बी के लिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हिपेटाइटिस कौन सा एक्यूट होता है और कौन सा क्रोनिक होता है, यस, तो जैसा कि मैंने बताया सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है, हिपेटाइटिस सी, ठीक है, तो याद रखिएगा हिपेटाइटिस बी सी एंड डी ये तीनों क्या है डियर, क्रोनिक है, ये तीनों क्या है डियर, क्रोनिक लीवर डिजीज करते हैं, ये तीनों क्या करेंगे डियर, क्रोनिक लीवर डिजीज, क्रोनिक लीवर डिजीज कर देते हैं, लीवर को ज्यादा डैमेज करते हैं, जिसमें मोस्ट डेंजरस है वो कौन सा डियर, हिपेटाइटिस सी होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इट में कॉज लीवर कैंसर, लीवर कैंसर जिसे हिपेटिक कार्सिनोमा भी कहते हैं, हिपेटिक कार्सिनोमा भी कहते हैं। बाकी हिपेटाइटिस ई है ये क्या हो गया डियर, एक्यूट, एक्यूट इन्फेक्शन, और हिपेटाइटिस ई कौन सा होता है, ये भी एक्यूट इन्फेक्शन, लीवर के केस में एक्यूट इन्फ्लामेशन को अपन एक टर्म यूज करते हैं विच इज नोन एज फुलमिनेंट, विच इज नोन एज फुलमिनेंट हिपेटाइटिस, फुलमिनेंट हिपेटाइटिस, तो हिपेटाइटिस ई भी एक्यूट है इसलिए इसे भी क्या कहेंगे, फुलमिनेंट हिपेटाइटिस, फुलमिनेंट हिपेटाइटिस के नाम से इसे जानेंगे, ठीक है डियर, तो फुलमिनेंट वर्ड का ही मतलब होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन, फुलमिनेंट वर्ड का मतलब क्या है, एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन को अपन फुलमिनेंट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा हिपेटाइटिस या कौन सा हिपेटाइटिस वायरस फुलमिनेंट होता है, तो आंसर क्या देंगे, हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस ई जो है फुलमिनेंट हिपेटाइटिस कहलाते हैं। हिपेटाइटिस ए का वायरस कौन सा होता है, पिकोरना, बी का एडिनो, सी का फ्लावी, डी का डेल्टा, और ई का डियर कौन सा हो गया सबसे लास्ट में, कैलिसी वायरस। तो अगर पूछा जाए कौन सा वायरस फुलमिनेंट है, तो आंसर क्या दोगे, पिकोरना एंड कैलिसी आर द फुलमिनेंट हिपेटाइटिस वायरस, जो कि एक्यूट इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, क्या कोज करते हैं बच्चों, एक्यूट, बाकी सभी क्रोनिक करते हैं, लॉन्ग टर्म ये डैमेज करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है, हिपेटाइटिस सी, जो कि लगभग मैं बात करूं 60-70% केसेज में, 60-70% केसेज में, अगर मान लीजिए 100 लोगों को हिपेटाइटिस सी हुआ है तो 60-70% लोगों को क्रोनिक लीवर डैमेज हो ही जाएगा, और उनमें से भी 60-70% को, 60-70% निकाले, अब उन 60-70 का भी 60-70% को कैंसर हो जाता है, तो काफी अच्छा खासा रेशियो है कैंसर होने का, ठीक है डियर, याद रखिएगा कि कौन सा एक्यूट है और कौन सा क्रोनिक है। फुलमिनेंट एक वर्ड है, टर्म है, जिसका मतलब होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन, जो कि हिपेटाइटिस ए एंड हिपेटाइटिस ई कोज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, विच इज एज ग्रुप, कौन सा वायरस किस एज ग्रुप को अफेक्ट
करता है। तो जैसा कि मैंने बताया हेपेटाइटिस बी है, यस, मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस ऑफ चाइल्ड। बच्चों का मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस पूछा जाए तो वो कौन सा होता है डियर? हेपेटाइटिस बी होता है। ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए है डियर, वो मोस्टली चाइल्ड में होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन चाइल्ड का पूछे तो बी। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है, बट बच्चों का मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो हेपेटाइटिस बी ही देना है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी है डियर, वो मोस्टली एडल्ट्स में होता है। हेपेटाइटिस डी है, ये भी एनी एज में हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बी के साथ होता है, तो जो बी है वो ये होगा, यस और नो डियर। और ये जो है डियर, ये भी मोस्टली बात करें तो एडल्ट्स के अंदर हो जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा, इट इज मोस्ट कॉमन, एडल्ट तो लिख देता हूं, एडल्ट्स, देखिए याद रखिएगा, इट इज मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस पूछा जाए तो वो कौन सा आंसर दोगे? हेपेटाइटिस ई। देखो दो चीजें मैंने पढ़ाई, मदर से फीटस में, एक प्रेग्नेंट महिला से उसके बच्चे में कौन सा वायरस जा सकता है? दैट इज हेपेटाइटिस बी, जो कि अपन ने लिख लिया ऑलरेडी। लेकिन प्रेगनेंसी में होता सबसे ज्यादा कौन सा डियर? तो वो कौन सा? हेपेटाइटिस ई होता है सबसे ज्यादा। एंड इट इज द मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी। ओवरऑल मोस्ट डेंजरस कौन सा? हेपेटाइटिस सी। बट चूंकि प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा यही होता है, इसलिए मोस्ट डेंजरस भी यही होगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, जो भी मैं लाइनें लिख रहा हूं ना बच्चों, एक एक लाइन में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी, आंसर क्या दोगे? हेपेटाइटिस ई। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेसेंटा, थ्रू द मदर टू फीटस, मां से बच्चे में कौन सा जा सकता? तो आंसर दोगे हेपेटाइटिस बी। वर्टिकल ट्रांसमिशन कौन सा हेपेटाइटिस होता है? तो हेपेटाइटिस बी। वर्टिकल का मतलब होता है प्लेसेंटा को क्रॉस करके, तो हेपेटाइटिस बी ही जा सकता बच्चों, यस और नो? चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड, तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जब वायरस बॉडी में आया और बॉडी में आने से लेके सिम्टम्स बॉडी में अपियर हुए, प्री एक्ट्रिक फेज, वहां तक के ड्यूरेशन को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो किसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है वो आपको याद रहे तो अच्छी बात है, बट दो वर्ड मैं लिखने जा रहा हूं, याद रखना है वो जरूर याद रखिएगा। यस, हेपेटाइटिस बी का जो है डियर लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो कि होता है डियर 75 डेज, और रेंज वाइज बात करें तो 40 से 160 डे। यस, 75 दिन का लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस बी का, यानी लगभग 75 दिन बाद हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स आते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को एक पॉइंट और मैं बताना भूल गया, हेपेटाइटिस बी जो है, हॉस्पिटल जो स्टाफ होते हैं उनको सबसे ज्यादा रिस्क किसका होता है? हेपेटाइटिस बी का ही होता है, ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। हॉस्पिटल स्टाफ यानी हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कौन सा हेपेटाइटिस देता है? हेपेटाइटिस बी ही देता है। अब सुनिएगा इस बात को, हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग है। आज किसी को हेपेटाइटिस बी वाले को आप इंजेक्शन लगा रहे हो क्योंकि आप हेल्थ केयर वर्कर हो, यस और नो? तो उसको इंजेक्शन लगाते टाइम पे आपने उसको लगा दिया, अब उसी की निडल आपके चुभ गई, अब चुभ गई तो वो निडल से हेपेटाइटिस बी का वायरस आपने ले लिया, समझ में आई बात? तो उसके लेने से 75 दिन के बाद जाकर के आप में उसके सिम्टम्स अपीयर होंगे डियर, यस और नो? याद रखिएगा। या फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ऐसा पार्टनर के साथ में सेक्स किया जिस जो है हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है, तो उसके अंदर भी जो है हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, बट कितने दिन बाद? कितने दिन बाद? लगभग 75 दिन, और एवरेज बात करें तो 40 से 160 दिन, ठीक है डियर, इतने दिनों के बाद में हेपेटाइटिस बी फैलेगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात करें शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड किसका होता है? देखिए ये कंपेरेटिव पढ़ा रहा हूं ना मैं, इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि याद हो जाए, अदरवाइज मैं ऐसे भी पढ़ा सकता था, हेपेटाइटिस ए को सबसे पहले कंफर्म करता, बी को, सी को, डी को, ये सुनो, तो सब हौच-पौच हो जाता। तो कंपेरेटिव में याद करना आसान होता है, और कंपेरेटिव में ये पता चलता है कि कौन सा क्या है, इससे आइडिया लग जाता अपन को, या सुनो, पढ़ते टाइम ही आइडिया हो जाता है। अदरवाइज जब ए पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में ये नहीं कि ई ई के बारे में क्या होगा,
समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका अध्ययन करना है तो हमेशा कंपेरेटिव करिए, ठीक है, चलेगा। शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस ई का, यस डियर, जो कि रफली 2 to 6 weeks होता है, 2 से 6 सप्ताह होता है, और डेज में बात करूं तो 25 डेज, अप्रोक्स 25 डेज के आसपास होता है डियर, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अदर के भी इंक्यूबेशन पीरियड याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड भी 2 से 6 वीक होता है, तो आप कहेंगे सर ये भी तो शॉर्टेस्ट ही है, लेकिन इसका जो एवरेज है वो लगभग 28 डेज होता है, इसका एवरेज क्या 28 दिन जबकि इसका एवरेज है 25 दिन। दूसरा बात करें हेपेटाइटिस डी का इंक्यूबेशन पीरियड है जो कि लगभग 50 डेज होता है, हेपेटाइटिस डी है वो लगभग जो डी है 35 डेज होता है, ज़्यादा रटने की कोशिश मत करो, बस ये याद रख लो। हेपेटाइटिस बी और ई का लॉन्गेस्ट इसका होता है, शॉर्टेस्ट सबसे कम टाइम में इसके सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, इजेंट इट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, यस अदर नेम, यहां से भी क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लाइक आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, तो इसमें आंसर क्या दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सीरम हेपेटाइटिस, तो क्या आंसर दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस, तो क्या आंसर दोगे, सुपर इन्फेक्शन किसे कहेंगे, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर यहां पे आते हैं बच्चों। वाटर बोर्न हेपेटाइटिस कौन सा है, तो देखिएगा हेपेटाइटिस बी का जो अदर नेम पढ़ रहे हैं अपन, अदर नेम है, इसे बोलेंगे इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस पूछा जाए किसे कहते हैं, तो इट इज हेपेटाइटिस ए। दूसरा हेपेटाइटिस बी जो है डियर, इसे हेपेटाइटिस बी को अपन कहेंगे डियर सीरम हेपेटाइटिस, क्योंकि बॉडी सीरम के द्वारा ये ज्यादातर फैलता है, बॉडी फ्लूड के द्वारा भी फैल जाता है। हेपेटाइटिस सी जो है इसे कहेंगे पोस्ट ब्लड ट्रांस फ्यूजनल हेपेटाइटिस, किसे कहेंगे डियर, हेपेटाइटिस सी को। हेपेटाइटिस डी को कहेंगे सुपर इन्फेक्शन, क्यों कहेंगे ऐसा, सुपर क्यों कहा, क्योंकि ये अकेला नहीं आता है, ये किसके साथ आएगा, हेपेटाइटिस बी के साथ ही आता है, इसकी बहुत ज्यादा दोस्ती है, हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी के साथ में ही रहता है, ठीक है, तो इसलिए कभी भी डी अकेला, सॉरी सी बोल दिया मैंने, हेपेटाइटिस डी जो है कभी भी अकेला नहीं होता है, हेपेटाइटिस डी हमेशा बी के साथ में ही होगा, यस डियर। और सबसे लास्ट में ई को बोला जाता है डियर वाटर बोर्न हेपेटाइटिस पूछा जाए तो राइट आंसर क्या देंगे डियर, हेपेटाइटिस ई आपको आंसर दे देना है, यस और नो। जबकि देखो मैंने पूछा कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से मोस्ट कॉमनली फैलता कौन सा है, तो वो ए फैलता है, लेकिन वाटर बोर्न किसको बोलते हैं, तो वो आंसर देंगे ई को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों वर्ड के अंदर, ठीक है, चलेगा डियर। आगे बढ़ेंगे अपन अदर नेम के बाद में, यस रिमेंबर, तो जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उसकी समरी करते हैं, उसके बाद में आगे का ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। तो देखिएगा फुलमिनेंट हेपेटाइटिस किसे कहते हैं, तो एक साथ अपन समरी कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस ए, चलिए पूरा लिख देते हैं, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई को फुलमिनेंट हेपेटाइटिस कहते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा है। दूसरा हेपेटाइटिस फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर टू फीटस, मदर से फीटस में कौन सा हेपेटाइटिस फैलेगा डियर, तो इसका आंसर क्या देंगे, हेपेटाइटिस बी फैलता है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन प्रेग्नेंसी कौन सा होता है, तो आंसर देंगे डियर हेपेटाइटिस ई मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस है जो कि प्रेग्नेंसी में फैलता है। दूसरा कंटामिनेटेड टैटू नीडल से, टैटू नीडल से कौन सा होगा, तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस बी एंड सी होता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब आता है डियर, तो याद रखिएगा मैंने बताया है 28 जुलाई को। नेक्स्ट हाईली इन्फेक्शियस पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस, यस हेपेटाइटिस कब सबसे ज्यादा फैलता है, ठीक है डियर, तो याद रखिएगा आफ्टर इन्फेक्शन 7 to 14 days आफ्टर इन्फेक्शन, जब तक बॉडी में सिम्टम्स भी नहीं आए होते हैं, समझ में आया, like मैंने बोला सिम्टम्स तो कब, जैसे हेपेटाइटिस बी है वो, उसके सिम्टम्स कब आते हैं डियर, उसके सिम्टम्स आते हैं लगभग 75 दिन के बाद, लेकिन इन्फेक्शन होने के 7 से 14 दिन में ही इसकी हाईली इन्फेक्शियस
पीरियड होता है, बहुत ज्यादा ये इन्फेक्शियस यानी फैलने के चांसेज होते हैं बच्चों। तो हेपेटाइटिस का यस इन्फेक्शियस पीरियड क्या होता है, 7 से 14 दिन है इसका आफ्टर इन्फेक्शन। आफ्टर इन्फेक्शन जो है इसका हाईली इन्फेक्शियस पीरियड होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ पॉइंट बात करते हैं, डू नॉट कोज परमानेंट लीवर डैमेज। कौन सा हेपेटाइटिस परमानेंट लीवर डैमेज कोज नहीं करता है? चूंकि मैंने बताया हेपेटाइटिस बी सी और डी क्रोनिक होते हैं, यस और नो, तो वो परमानेंट डैमेज कर देंगे, लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई है वो एक्यूट होते हैं। इसलिए याद रखिएगा ई फिर भी परमानेंट कर सकता है, लेकिन ए जो है हेपेटाइटिस ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए। इसका मतलब हेपेटाइटिस ए परमानेंट लीवर डैमेज अक्सर नहीं करता है, कर भी सकता है बट मोस्टली नहीं करता है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस डी वायरस प्रेजेंट विद इन विच वायरस, तो हेपेटाइटिस डी किसके साथ होता है डियर, यस हेपेटाइटिस बी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट विच हेपेटाइटिस कोज मोस्ट कॉमन क्रोनिक लीवर हेपेटाइटिस, तो क्रोनिक लीवर हेपेटाइटिस करता है बी सी और डी, उसमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन था, हेपेटाइटिस सी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग कैन बी रिक्वायर्ड इन, स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग से किसे रोका जा सकता है, तो कौन से को रोकेंगे डियर, हेपेटाइटिस ए को एंड हेपेटाइटिस ई को जो है अपन स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग के द्वारा रोक सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हेपेटाइटिस है वो ओरोफिकल रूट से फैलते हैं। इजंट इट, समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, चलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन, हेपेटाइटिस को डायग्नोस कैसे करेंगे, कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहली बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अलावा सेकंड बात करेंगे हिस्ट्री, इसके अलावा डियर लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा डियर लीवर बायोप्सी, बायोप्सी की जा सकती है, ठीक है डियर। इसके अलावा यस अल्ट्रासाउंड यूएसजी, क्योंकि हिपेटोमिगेली वगैरह भी देखने को मिलेगी, तो दीज आर द सम कॉमन जो है इन्वेस्टिगेशन। अब बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक की बात करें तो यस डियर ब्लड टेस्ट, ब्लड ब्लड एंटीजन, एंटीजन टेस्ट। तो ब्लड एंटीजन टेस्ट जो है डियर तीन प्रकार के इसमें होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ब्लड एंटीजन टेस्ट है वो तीन प्रकार के होते हैं बच्चों, दीज आर एचबीएस, एचबीएस एजी, एचबी यानी हेपेटाइटिस एस और एंटीजन, दूसरा डियर एचबी, एचबीई एजी, एचबीई एजी, और तीसरा डियर एचबी सी ए जी, एच बी सी ए जी। तो तीन तरीके की एंटीजन ब्लड में मिल सकती है, ठीक है डियर। एच बी एस ए जी है, यस एच बी एस ए जी, एच बी ई ए जी और एच बी सी ए जी। तो एच बी एस ए जी है, इसे सरफेस एंटीजन कहेंगे। कौन सी एंटीजन होगी डियर, सरफेस एंटीजन, एंटीजन। ई जो है इसे कहेंगे डियर अर्ली एंटीजन, अर्ली एंटीजन, और सी जो है डियर इसे कहेंगे कोर, कोर एंटीजन। कोर एंटीजन जो है ये केवल और केवल लीवर में मिलेगी, यस डियर याद रखिएगा, ओनली फाउंड इन लीवर, ब्लड में नहीं मिलेगी। इस वजह से इस एंटीजन का लेवल ब्लड में कभी भी नहीं मिलेगा, इसके लिए लीवर की बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा डियर, लीवर बायोप्सी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो लीवर बायोप्सी से ही मिलेगी एच बी सी ए जी, बाकी ब्लड में इसका प्रेजेंस नहीं है। देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में तो आ रहा है क्या, एंटीजन, एंटीजन बॉडी में कब बनती है, देखिए जब भी बाहर से जब वायरस आएगा तो वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है विच इज एंटीजन, इसके अगेंस्ट अपनी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है डियर। तो एच बी एस एंटीजन कब बॉडी में बनती है डियर, सरफेस एंटीजन है, यस डियर याद रखिएगा, विद इन विद इन फर्स्ट 7 डेज, पहले 7 दिन में यस जो एंटीजन बनेगी वो सरफेस एंटीजन बनेगी। दूसरा एच बी ई ए जी है डियर वो यस फॉर्म्ड आफ्टर आफ्टर 7 डेज, इन्फेक्शन होने के 7 दिन के बाद
HBeAgB ब्लड में मिलना शुरू हो जाएगी, ये कभी नहीं मिलेगी क्योंकि इसे ये कोर एंटीजन है, केवल हिपेटोसाइट के अंदर ही मिलेगी, इसलिए इसके लिए लीवर बायोप्सी जरूरी हो जाती है। दूसरा, इसे हिडन एंटीजन भी बोलते हैं, हिडन हिडन एंटीजन, हिडन एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है, ओनली फाउंड इन लीवर। ठीक है डियर, बाकी ये ब्लड से रिलेटेड है। यस और नो? तो ब्लड एंटीजन दो ही होती है, HBsAg और HBeAg, बाकी ये तो लीवर के अंदर ही मिलती है। तो HBsAg है, इसे अपन सरफेस एंटीजन बोलते हैं, और ये सबसे पहली क्वेश्चन आता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन इज फॉर्म्ड, अपन बहुत कर सकते हैं इनिशियली, सबसे पहले कौन सी एंटीजन बनती है आफ्टर एक्सपोजर ऑफ हिपेटाइटिस वायरस। तो हिपेटाइटिस वायरस के एक्सपोज होने के बाद में सबसे पहले कौन सी एंटीजन बनेगी, तो वो आंसर देंगे डियर, ये ऑप्शन में होंगे सारे, आंसर क्या दोगे, HBsAg विदिन 7 डेज, पहले 7 दिन के बाद ही बननी शुरू हो जाएगी। ये सुनो, HBeAg है वो बनेगी आफ्टर 7 डेज। ठीक है डियर, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलेगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं खास, एंटीजन है, एंटीजन टेस्ट है जिसके द्वारा पता लगा लग सकते हैं इन्फेक्शन के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, एंटीबॉडी कब बनेगी, जब एंटीजन बनेगी उसके जस्ट बाद एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, यस और नो, एंटीजन के अगेंस्ट, यस और नो, तो इसकी एंटीबॉडी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, यस, तो यस याद रखिए, पहले 7 दिन में एंटीजन बनी, तो आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद क्या बनेगी डियर, इसमें एंटीबॉडी डेवलप्ड, 7 दिन के बाद में बॉडी में क्या बनने लग जाएगी डियर, एंटी एचबीएस, इस HBs एंटीजन का एंटी एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है, जो कि इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, बट इनफ नहीं होता है, या सुनो, तो जिस पर्सन को इन्फेक्शन हो चुका है उस पर्सन के ब्लड में क्या मिलेगा आपको, HBs एंटीबॉडी मिलेगा, या जिस पर्सन को वैक्सीन लग चुका है, उसके ब्लड में भी क्या मिलेगा डियर, HBs एंटीबॉडी मिलेगा। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये एंटीबॉडी किस में मिलेगी, यस, फाउंड इन ब्लड ऑफ पर्सन इम्यूनाइज्ड विद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। और हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है डियर, वो आपके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का भी पार्ट है, अगर आपको याद हो कम्युनिटी में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अपन ने पढ़ा है, तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पेंटावेलेंट लगती है ना, पेंटावेलेंट, तो उसमें एक हेपेटाइटिस बी भी होता है, पेंटा का मतलब होता है 5, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस DPT, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये 5 वैक्सीन का एक ग्रुप होता है विच इज नोन एज पेंटा वैलेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा, फर्स्ट एंटीबॉडी विद इन 7 डेज बन जाती है, विच इज HBsAg, इसके बाद में HBeAg बनती है, और ये कोर एंटीबॉडी है, वो केवल हिपेटोसाइट्स में मिलेगी। HBsAg अपियर होने के 7 दिन के बाद में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बन जाती है, और एंटीबॉडी कौन सी होगी डियर, पहले IgM बनेगी, पहले कौन सी बनेगी बच्चों, IgM, क्योंकि जब भी इन्फेक्शन होता है तो पहली एंटीबॉडी IgM ही बनती है, और IgM के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, यस और नो, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी ये पॉइंट अपन थोड़ा सा बता चुके हैं। तो IgM जो है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है, यस, तो इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, तो याद रखिएगा, इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इनिशियल ट्रीटमेंट होगा डियर, इंट्रावीनस फ्लूड विद NBM, निल बाय माउथ, माउथ से कुछ नहीं देंगे, केवल इंट्रावीनस फ्लूड देंगे। दूसरी बात करेंगे डियर, एंटीवायरल मेडिसिन देंगे। तीसरी बात करेंगे डियर, यस, पर्सन को एडिक्वेट रेस्ट दिया जाएगा। और चौथी बात करते हैं डियर, वैक्सीन लगाई जाएगी, एंड वैक्सीन ओनली अवेलेबल फॉर, यस, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है, जिसे बोलते हैं RDNA वैक्सीन, जो कि, यस, किस पे बनती है, रिकॉम्बी वैक्स के नाम से जानी जाती है, जो कि ये जो आपको दिख रहा है कि ईबेवैक कोई कंपनी होगी,
ये कोई रजिस्टर्ड मार्का होगा जिसके अंदर 10 ml की वायल आती है और 10 ml में 1 ml डोज एक पर्सन में लगती है डियर, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, रिकॉम्बी वैक्स वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर हिपेटाइटिस बी। इसके अलावा डियर प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कर सकते हैं, जिसमें क्या दे सकते हैं, इंटरफेरोन थेरेपी, दे सकते हैं। इसके अलावा डियर स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन किसको प्रिवेंट करने के लिए डियर, हिपेटाइटिस ए एंड हिपेटाइटिस ई को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन फॉलो की जा सकती है। यस और नो डियर, दिस इज द ट्रीटमेंट। एंड सबसे लास्ट में बात करते हैं व्हाट इज द डाइट। देखिए डाइट मैंने बोला इनिशियली तो कोई डाइट नहीं देंगे, निल बाय माउथ रखना है, लेकिन लेटर ऑन डाइट देंगे तो वो कैसी डाइट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। तो डाइट सिमिलर टू सिरोसिस, में जो डाइट बताई थी वही डाइट देंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो फैट डाइट एंड लो प्रोटीन डाइट। और जब शुरुआत में निल बाई माउथ रखा जाता है उस टाइम पे जो है इंट्रा आईवी फ्लूड देते हैं, क्या देते हैं डियर, इंट्रावीनस फ्लूड दिया जाता है। और इंट्रावीनस फ्लूड कौन से मेथड देंगे डियर, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन टीपीएन से देंगे। और टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन कैसे देते हैं डियर, सेंट्रल लाइन से, किससे देते हैं, पढ़ चुके अपन पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, टोटल न्यूट्रिशनल एडमिक्सर TNA पढ़ चुके हैं, और ILT इंट्रालिपिड थेरेपी। कैसे सुनो, तो ये पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे एक कैथेटर बताया था, हिक्समान ब्रोवियक कैथेटर। कौन सा कैथेटर डियर, यस TPN के लिए कौन सा कैथेटर, हिक्समान ब्रोवियक कैथेटर यूज करते हैं। यस सुनो, जिसकी इमेज भी मैंने दिखाई थी आपको, क्या पढ़ाया था जब दिखाई थी मैंने आपको इमेज, जब ये प्रोसीजर पढ़ाया था, यस और नो, तो इसी GI सिस्टम के प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट में TPN पढ़ाया था मैंने आपको, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन का एक टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर इसको डिस्कस किया था, इजेंट इट, याद रखिएगा, चलेगा। स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन से किसको बचा सकते हैं, हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस ई को प्रिवेंट कर सकते हैं, हिपेटाइटिस ए और ई को प्रिवेंट किया जा सकता है, दैट्स इट। चलिएगा डियर, वेरी इंपॉर्टेंट डाइट आपको समझ में आ गया होगा, लो फैट लो प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे शिफ्ट किया जाएगा, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो जो भी अपन ने आज पढ़ा है पूरा का पूरा टॉपिक मैंने कोशिश करी है एक एक पॉइंट को आपको समझा दूं विद कंपेरिजन, ताकि आप भूले नहीं इन पॉइंट्स को, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं क्योंकि यहाँ से, तो चलिएगा डियर क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, चलिए पढ़ते हैं आप लोग, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वायरल हिपेटाइटिस इज कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। मैंने बोला इसके थ्रू जो है हिपेटाइटिस ए और ई दोनों फैलते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन में हो तो इस पर टिक आपको करना है। तो राइट आंसर क्या देंगे, हिपेटाइटिस ए। वाटर बोर्न हिपेटाइटिस पूछे तो वो आंसर दोगे ई, ठीक है। नेक्स्ट, विच हिपेटाइटिस वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से कौन सा फैलता है, तो यस डियर इट इज हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस बी मोस्ट कॉमनली फैलता है, अदरवाइज हिपेटाइटिस ए भी सेक्सुअल से फैल सकता है, हिपेटाइटिस सी भी फैल सकता है, ध्यान रखिएगा, और जहां बी है वहां डी भी है, ए नहीं फैल सकता, ई नहीं फैलता कभी भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। नेक्स्ट बात करेंगे, विच हिपेटाइटिस वायरस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज से कौन सा एसोसिएटेड है, तो मैंने बताया क्रोनिक से एसोसिएटेड है बी सी और डी, लेकिन तीनों ऑप्शन में हो तो आपको आंसर देना है सी, क्योंकि यस जो हेपेटाइटिस सी है वो 60-70% यस क्या कर देता है, हेपेटाइटिस सी मान लीजिए 100 लोगों को हुआ है तो 60-70 लोगों को क्रोनिक लीवर डिजीज हो ही जाएगी डियर, याद रखिएगा। और इन क्रोनिक डिजीज वालों में से भी 60-70% को, यस इनमें से भी 60-70% को क्या हो जाएगा डियर, लीवर कैंसर हो जाएगा। तो मान लीजिए 100 लोगों को हेपेटाइटिस सी हुआ तो मान लीजिए 60-70 के बीच में ये हो गया, अब मान लो जो है 70 लोगों को हो गया सपोज कीजिए, अब 70 का भी 70% निकाल लीजिए तो 77 जा
49, तो 49 लोगों को लीवर कैंसर हो जाएगा, तो बहुत बड़ा रेशियो है डियर। हिपेटाइटिस डी बहुत डेंजरस हिपेटाइटिस होता है, ठीक है, इसके केसेस में जो है मोर्टिलिटी रेट भी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिपेटाइटिस बी इन्फेक्शन द प्रेजेंस ऑफ HBeAg टिपिकली इंडिकेट, क्या मतलब है इसका, HBeAg मिलने का क्या मतलब है। ऑप्शन इम्यूनिटी, एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, पास्ट इन्फेक्शन या सक्सेसफुल वैक्सीनेशन। तो देखिएगा, सक्सेसफुल वैक्सीनेशन में क्या मिलेगा, एंटी HBs एंटीबॉडी मिलेगी। इम्यूनिटी के केस में भी क्या मिलेगी डियर, एंटी HBs एंटीबॉडी मिलेगी। वायरस रेप्लिकेशन के केस में क्या मिलेगा डियर, पास्ट इन्फेक्शन में भी क्या मिलेगी, एंटी HBs एंटीबॉडी मिलेगी। तो ऑप्शन एक ही बच गया आपके पास में, और जब वायरस बहुत ज्यादा रेप्लिकेट कर रहा है तो HBeAg में देखने को मिलता है डियर, इट इज एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन। तो HBeAg एंड HBsAg दोनों, HBsAg है वो शुरुआती 7 दिन में, और आगे के 7 दिन में HBeAg मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ही इस कंडीशन को इंडिकेट करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर इज बी। अगला, विच हिपेटाइटिस वायरस रिक्वायर को इन्फेक्शन विद हिपेटाइटिस बी, तो हिपेटाइटिस बी के साथ कौन सा होता है बता दिया मैंने आपको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिपेटाइटिस डी जो है, आंसर तो सी है लेकिन ऑप्शन में डी लिखा है, तो ऐसे भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, कई बार जो OMR सीट वाले एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया हिपेटाइटिस डी सी पॉइंट पे है लेकिन डी पे गोला कर देते हैं जल्दी जल्दी में आवेश में आकर के। तो हमेशा जो एग्जाम का 2 या 3 घंटे जितने भी टाइम मिला आपको, कई कुछ एग्जाम में 90 मिनट मिलते हैं, लाइक नोट सेट वगैरह में पैटर्न ऐसा है, बदलता रहता है नोट सेट का पैटर्न भी कई बार। दूसरा बात करें, कुछ एग्जाम्स में 2 घंटे भी मिलते हैं, कुछ में 3 घंटे मिलते हैं, किस में 2.5 घंटे मिलते हैं, तो वो डिपेंड, उतना टाइम आपको कॉन्सेंट्रेट रहना है, लेजी नहीं होना है, लेजी हुए नहीं आपके क्वेश्चन जो है गलत हुए नहीं, चलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर, विच इज हिपेटाइटिस डी। नेक्स्ट, विच हिपेटाइटिस वायरस कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन, से कौन सा प्रिवेंट होता है, तो मैंने बताया हिपेटाइटिस बी, जिसके लिए वैक्सीन कौन सी डियर, RDNA टेक्निक पर आधारित वैक्सीन है, जिसे बोलेंगे रिकॉम्बीवैक्स, रिकॉम्बीवैक्स वैक्सीन की 1 ml डोज जो है दिया जाता है। नेक्स्ट, विच हिपेटाइटिस वायरस हैज लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड किसका होता है डियर, अगेन हिपेटाइटिस बी, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 75 days, और रेंज वाइज बात करें तो 40 से 160 दिनों के आसपास इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, शॉर्टेस्ट होता है हिपेटाइटिस ई का। नेक्स्ट, विच हिपेटाइटिस आल्सो नोन एज सीरम हिपेटाइटिस, सीरम हिपेटाइटिस किसे कहेंगे, तो हिपेटाइटिस ए को इन्फेक्टिव हिपेटाइटिस बोलते हैं, हिपेटाइटिस बी को सीरम हिपेटाइटिस बोलते हैं, सी को क्या बोलेंगे डियर, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हिपेटाइटिस, ई को क्या बोलते हैं, डी हिपेटाइटिस डी को बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन, सुपर इन्फेक्शन, और ई को बोलते हैं वाटर बोर्न हिपेटाइटिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, हिपेटाइटिस बी सीरम हिपेटाइटिस कहलाता है। यस और नो डियर, यस, तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जल्दी से ऐप को एक बार मिनिमाइज करके कंटिन्यू पढ़ते रहिए, बट एक बार मिनिमाइज करके प्ले स्टोर खोल करके यस 5-star रेटिंग और अपना रिव्यू जरूर दे दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।